आज सर्वोच्च अदालत ने यह कहा है कि जांच सीवीसी पूरी करे लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जज की निगरानी में, फॉर्मर जस्टिस की निगरानी में। और दूसरा, नागेश्वर राव पर सख्त हिदायत दी है, एक्टिंग डायरेक्टर हैं, नीतिगत फैसला नहीं ले सकते। जितने फैसले, जितने ट्रांसफर पोस्टिंग किए हैं वो सब का प्रमाण वो कोर्ट ने मांगा है। अंजना जी, आज न्यायालय ने पूरी तरीके से सरकार के निर्णय को उचित ठहराया है। सरकार के हर फैसले को उन्होंने न्याय संगत ठहराया। रही बात जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं, वो तो उनसे कहा गया था, वो तो ऑफिशिएटिंग डायरेक्टर हैं। ये तो किसी भी सरकारी संस्था के रूल में होता है कि जो ऑफिशिएटिंग है वो तो रूटीन वर्क ही करेगा, नीतिगत निर्णय नहीं लेगा। वो जो नियमित चयनित अध्यक्ष, उसका जो निर्देशक होगा वही ले सकता है। तो न्यायालय ने जो कुछ भी कहा बिल्कुल सरकार के स्टैंड के साथ रहे हैं। और उन्होंने ये कहा कि जहां तक जांच रिपोर्ट की बात है, ठीक है, वो जांच रिपोर्ट की समय सीमा दी है, वो जांच दे दी जाएगी। पर ये तो नहीं कहा ना कि सीवीसी जांच नहीं कर सकती, जिस प्रकार के प्रश्न उठाए गए थे। लेकिन सुधांशु जी, रिकमेंडेशन सुधांशु जी, लेकिन इन सब के बीच परिवर्तन नहीं हो सकता। इन सब के बीच जरा इसका सियासी अर्थ भी समझिए। आज राहुल गांधी जिस अंदाज में सड़कों पर उतरे हैं, क्या सियासी रूप से, जिसे कहते हैं गेटिंग अंडर द स्किन ऑफ द बीजेपी, यानी आपको परेशान करने में, बौखलाने में वो कामयाब हो गए हैं? क्योंकि वो तो छवि पर सीधा प्रहार कर रहे हैं और चौकीदार उसके आगे क्या कह रहे हैं हर भाषण में अब साफ सुनाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है। क्या आपकी छवि को एक बहुत बड़ा डेंट 2019 के मद्देनजर लगाने में वो कामयाब नहीं हुए आज, सुधांशु जी? हाँ, देखिए अंजना जी, अब जो सियासी आपने मामले की बात कही, सारी बात तो यहीं पर है। अब अगर कांग्रेस की हालत ये हो गई कि वो कभी फ्रांस के राष्ट्रपति के बयान पे जाते हैं, तो कभी एक सरकारी एजेंसी के अंदर दो वरिष्ठ अधिकारियों के मध्य हुए एक दूसरे के आरोप और प्रत्यारोप में अपना आधार ढूंढते हैं, इसका अर्थ साफ हो गया कि मुद्दे और तथ्यात्मक विषयों के आधार के ऊपर अब सरकार पर आरोप लगाने की उनकी क्षमता पूरी तरीके से कुंद हो गई है। इसलिए अब इस प्रकार के विषय जिसमें कि दो वरिष्ठ अधिकारियों के बीच का एक संघर्ष था और जिसके ऊपर सरकार ने एक सही न्याय संगत निर्णय लिया था, जो आज के सर्वोच्च न्यायालय ने सही ठहराया है, ठीक है, उसके बावजूद अगर राहुल गांधी जी ये बोल रहे हैं तो मैं मान रहा हूं इसमें सिर्फ सियासत है। ठीक है, पवन खेड़ा जी जवाब दीजिए सिर्फ।